प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सबको जय मसीह की। ये जो आप गवाही सुनने वाले हो, ये मेरे बेटे की गवाही है और इसमें बहुत ही एक बड़ा पॉइंट है जिससे लोगों को बड़ा उत्साह मिल सकता है और लोगों के जीवन में बड़े काम हो सकते हैं। इसलिए इस गवाही को दूसरों के साथ शेयर करना, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इस गवाही के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को बड़ा ही ब्लेस करेगा। तो इस गवाही को अंत तक सुने, क्योंकि इस गवाही में जब आप सुनोगे तो जब मैं लास्ट पे इस पे शिक्षा जो मैं दूंगा तो आप उसको सुनना। मेरा विश्वास है कि जब आप सुनोगे तो उस शिक्षा से भी प्रभु आपके जीवन में भी बड़े कामों को प्रकट करेगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह, जय मसीह बोलो। सबको सबको परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। सुनो, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वैसे ये बड़ा तेज है। बोलो क्या है? ये भजन भी लिखता है। ये क्या लिखता है? अपने बड़े भाई को आमीन को कहता है, लिख ले जल्दी लिख ले, परमेश्वर ने मुझे भजन दिया है, जल्दी लिख ले, मैं भूल ना जाऊं। तो सुनो, इसकी एक प्रॉब्लम आ गई, मैंने बताया था ना पहले भी, ये अब बड़ा हो गया है ना, तो ये इसका वॉशरूम ऊपर निकल जाता बेड पे, मतलब बिस्तर पे ही। अब मैं ना बताऊं लज्जा की लगती है बात, कईयों को कहो ना तो वो कहते ऐसा को हमारे जीवन के बारे बताते हो। तो इसका वॉशरूम मतलब बाथरूम बिस्तर पर हो निकल जाता था अपने आप। बोलो क्या है? तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ होगा, कोई कुछ प्रॉब्लम तो खड़े। तो मैंने सोचा कि चलो इसे डॉक्टर के पास दिखाते, थोड़ा क्या बात है ना नॉर्मली, क्योंकि तो उसने मेडिसिन दी तो उससे भी नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि अच्छा इसका एक टेस्ट है, ये करवाओ, और टेस्ट भी करवा लिया। क्या करवा लिया बोलो? टेस्ट भी करवा लिया और रिपोर्ट भी लेकर आ गया मैं घर में, पर मैं रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं गया। अब अभी तक नहीं मुझे पता उस रिपोर्ट में आया क्या है। और एक दिन रात मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं याद कर रहा था परमेश्वर की भलाइयों को, उसके कामों को। क्या कर रहा था? मैं याद कर रहा था और मैं अब याद कर रहा था कि परमेश्वर ने इतने काम मेरे जीवन में किए, मेरे खुद के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में, खुदावन जो लोग तूने मुझे दिए, इतने काम किए तो ये क्यों नहीं करेगा। उस दिन मैंने हालात को डांटा जाने के लिए, विश्वास से डांटा। उस दिन के बाद फिर इसने वॉशरूम नहीं किया। क्या नहीं किया? सुनो सुनो, आरानगी की बात सुनो। अभी क्या हुआ, कम से कम 20-25 दिन निकल गए, महीने के करीब करीब। एक दिन ये मेरे साथ सो गया। बोला क्या है? मैं अकेला सोता हूँ, ये सारे बेड पे सोते, तो ये मेरे साथ सो गया उस दिन। तो उस दिन पता नहीं मेरे मन में आ गया, मैंने ऐसे ऐसे 2-3 बार इसे देखा कि कहीं वॉशरूम तो नहीं कर दिया। और जैसे मैंने संदेह कर लिया, ऐसे पता नहीं उस दिन क्या मेरे मन में ऐसे बात आ गई, ऐसे ऐसे 2-3 बार मैंने कर लिया, उस दिन उसने फिर वॉशरूम कर दिया। कि इसने फिर कर दिया। और फिर मैंने उस हालात को फिर से डांटा, संदेह की आत्मा को। और जिस दिन मैंने फिर से डांटा, फिर उस दिन के बाद, आज से कम से ये 2-3 महीने होने वाले हैं, कभी नहीं फिर। और हम डॉक्टर के पास भी नहीं गए कि रिपोर्ट में क्या आया है। आमीन। मैंने कहा डॉक्टर के पास भी नहीं गए कि रिपोर्ट में क्या आया है। संदेह, शक, डर एक खतरनाक चीज है। डरना नहीं है, संदेह नहीं करना। जीसस ने चेलों को सिखाया था, इस पहाड़ को कहो यहां से उखड़, समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करना। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांग दे, प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। इसलिए इस मिनिस्ट्री की ये एक टीचिंग है स्पेशल, जिसे हम पॉजिटिव प्रेयर कहते हैं, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो, दोबारा नहीं कहना कि प्रभु कार्य कार्य करो करो करो,
मांगने के बाद यह विश्वास करना अब मेरे लिए हो गया है। आशीष चाहिए तो रोज प्रार्थना करो, मिल चुकी है। बच्चा चाहिए, मिल चुका है। घर चाहिए, बीमारी है, हालात है, कोई रसौली, पत्थरी, गैंठिया, कोई भी है, वो जा चुका है। आमीन, हालेलुया। तो के जैसे अभी आपने इस गवाही में सुना, और ये मेरा एक प्रैक्टिकल है, तो आपने इस गवाही में अभी अभी सुना कि जब इसे ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने ऐसे मन में सोचा चलो कोई बात नहीं है, थोड़े ऐसे मेडिसिन लेकर ले लेते हैं डॉक्टर से। पर बाद में उस मेडिसिन से भी उसका वो हल नहीं हुआ, तो दोबारा हम डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने एक टेस्ट बताया, और जब टेस्ट बताया तो मैंने टेस्ट तो करा लिया और रिपोर्ट भी ले ली। अब उस रिपोर्ट को दिखाना था डॉक्टर को, कि इसमें क्या आया है। पर अभी मैं दिखाने वाला था तो उससे पहले मैं एक दिन ऐसे प्रेयर कर रहा था, और मैंने मन में ऐसे सोचा कि परमेश्वर मेरे साथ इतने काम कर रहा है ना, मेरे बहुत सारा मेरा प्रैक्टिकल है, मेरी खुद की लाइफ का बहुत सारा प्रैक्टिकल है। परमेश्वर ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, फिर जो मैं सेवा कर रहा हूँ, परमेश्वर ने मेरे द्वारा बहुत से लोगों को फ्री किया, चंगा किया। तो मैं ऐसे उन सब कामों को याद करने लगा, और फिर से मैंने विश्वास किया कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और मैंने फिर से बोलो क्या है उस बात को के लिए विश्वास किया ना, और उस हालात को डांटा। बोलो क्या है, उस हालात को मैंने डांटा, जाने के लिए कहा, और मैंने उसे विश्वास किया, और फिर बिल्कुल क्या हो गया अभी आपने सुना। फिर है ना, काफ़ी एक लगभग एक महीना वो अच्छा रहा, पर एक महीने के बाद एक दिन वो मेरे साथ सो गया। मैंने ऐसे चेक किया को कहीं किया इसने किया तो नहीं, ऐसे नेगेटिविटी आ गई मेरे मन में, मैं चेक किया, और जैसे उस दिन चेक किया और उसने फिर वॉशरूम कर दिया। बोलो क्या कर दिया, और जब उसने कर दिया फिर उसने शायद उस गवाही में मैं बता नहीं पाया, उसने फिर दोबारा एक दो बार कर दिया। फिर से उस हालात को मैंने फिर से डांटा, बोलो उस नेगेटिविटी, उस संदेह की आत्मा, शक मतलब जैसे, मैंने फिर से उसको डांटा, और आज ये पूरे दो महीने हो गए। बोलो क्या है, ये दो महीने हो गए हैं, तो कम से कम ये दो तीन महीने में भी 3 महीने के करीब करीब है, तो परमेश्वर ने इसे संभाल कर रखा है। तो मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस गवाही से आप भी ऐसे प्रैक्टिकल करोगे, संदेह नहीं करोगे, शक नहीं करोगे, तो खुदावन आपके साथ भी वो ऐसे बड़े कामों को प्रकट करेगा, क्योंकि जीसस ने सिखाया था कि चेलों को कि अगर इस पहाड़ को कहो यहाँ से उखड़ो, समुंदर में जा पड़ो, और अपने मन में संदेह मतलब शक परम नहीं करना, तो जो कहते हो विश्वास करो, और जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि ये हो गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आप भी ऐसे ही विश्वास करना, और जब आप विश्वास करोगे किसी भी चीज़ के लिए, तो हमारी ये इस मिनिस्ट्री की टीचिंग है पॉजिटिव प्रेयर, के मांगने के बाद उस चीज़ को दोबारा दोबारा नहीं कहना प्रभु करो, चंगा करो, या मुझे ब्लेस करो, करने के बाद मांगने के बाद आपने ये करना है कि ये मेरे लिए हो चुका है और आपके लिए हो जाएगा। और मेरा विश्वास है कि खुदावन इस गवाही से आपको बहुत आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। ओके, तो याद रखना, इस गवाही को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। आमीन।